चाची चाचा और कार्तिकेय के पापा नीलो हॉस्पिटल को चले गए हैं और बरेली हॉस्पिटल दिखाएंगे। यार ये छाता लेके बुढ़िया आ रही है। स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल मास्टर कार्तिक के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के अभी 5:30 बजे हैं और यहाँ बन रहा है हमारा खाना, नाश्ते की तैयारी चल रही है। सोनू भैया ड्यूटी को जाते हैं 6 बजे, तो उनके अभी खाना पैक होने की तैयारी चल रही है और यहाँ मेरी चाय भी बन गई है, तो चाय भी पी रहे हैं। और मम्मी जी लोग पापा जी लोग भी घूम के आ गए हैं, वो लोग भी चाय वगैरह पी रहे हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं। चाचा जी भी आए हैं आज, वहाँ बैठे जा रहे हैं। सुबह का नज़ारा का मज़ा लिया जा रहा है। और चाचा जी भी आए हैं आज, चाचा चाची आए हैं हमारी मजाकिया चाची, तो शाम के वक्त आए थे तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि वो भी थके हुए थे। और तो आज हम सब लोग एक ही कमरे में सोए थे, मीनू में चाची लोग और यहाँ कार्तिक जाते हुए। बस ये है, उनको जल्दी पढ़ाई करो, इनके अब टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये पढ़ाई करेगा थोड़ी देर और फिर उसके बाद जा करके फिर स्कूल को जाएंगे, तो मिलते हैं अब थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स 7 बज गया है और मेरा भी झाड़ू पोछा हो गया है, काम हो गया है, कार्तिकेय का बैग भी पैक कर दिया है, कार्तिकेय रेडी हो चुका है और कार्तिकेय यहाँ नाश्ता कर रहा है। ये देख सकते हैं पूरी पनीर का नाश्ता हो रहा है इसका, तो अभी जाएगा स्कूल को, तो खा फिर जल्दी जल्दी खा फिर देर हो जाएगी नहीं तो। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, इनको स्कूल को विदा करते हैं। मेरे पास वो देखिए क्या है। और चाचा जी लोग और चाचा जी लोगों का घर आने का कारण ये है कि चाचा जी को जो है ना तबीयत खराब हो रही है, मतलब बहुत टाइम से है तबीयत खराब, तो दिल में छेद है उनके, तो वही अब उनको दिखाने जाना है हॉस्पिटल। तो कार्तिकेय के पापा जाएंगे, इसके पापा जाएंगे ड्यूटी, वहाँ से ड्यूटी भी जाना है लेकिन पहले उनको दिखा करके फिर जाएंगे ड्यूटी को। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आप, और थोड़ा काम वाम कर लेते हैं, नहा धो लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ और सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है और चाची लोग अभी तैयार हो रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, बरेली हॉस्पिटल जाना है उन लोगों को चाचा जी को दिखाने के लिए, क्योंकि यार दिन में छीक बेचारे बीमार भी हैं, तो हो रहे हैं अभी तैयार, चाची जी फिर दिखाते हैं आपको। तो चाची हमारी रेडी हो रही है और देखो हाँ ये चाची हमारे ब्लॉग में पहले भी आए हैं, आपको पता ही है। देखो हाय। और बाल देखो चाची के कितने लंबे हैं, ये रेशमी जुल्फे, ये देखो आप। तुम तैयार होने दो मुझे। नहीं वही तैयार नहीं होना चाहिए। हो वही तैयार हो, बाय। अभी मिलेंगे बोलो, फिर मिलते हैं रेडी ब्रेक के बाद, रेडी होने के बाद तो हम लोग भी नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो चाची चाचा और कार्तिकेय के पापा नीलो हॉस्पिटल को चले गए हैं और बरेली हॉस्पिटल दिखाएंगे, तो हम लोग जो है घर से कोई भी लेडीज़ चाची के साथ नहीं गए क्योंकि चाची जो है पहले बरेली रहते थे तो उनको यहाँ का आइडिया है, तो इसलिए भी नहीं गए। और हॉस्पिटल में ना ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती है, मतलब जिसको दिखाना है और जिसको प्रॉब्लम है ना तो उसका जाना सही है। तो चाचा जी को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब पहले स्टार्टिंग से थोड़ा सा बहुत टाइम हो गया है ही ख़राब, लेकिन अभी अभी ना ज़्यादा हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा उनको परेशानी हो रखी है, अब क्या कर सकते हैं, उनके दिल में छेद है, तो मतलब बहुत ज़्यादा ना, एक बेटा है, चाची कैसे मतलब परेशान भी रहती हैं, इस तरीके से अपने दिनों को काट रहे हैं। बाकी अभी मेरा बन रहा है यहाँ पर वो खाना, तो चाचा जी को थोड़ा सा कम खाना पड़ता है तेल, तो मैंने थोड़ा सा कम डाल रखा है, ये ना इसमें थोड़ा सा फैल जाता है तो ज़्यादा लगता है, ये तो मैंने थोड़ा सा डाल रखा है। और यहाँ पर वो थोड़ा लहसुन और टमाटर प्याज कट करके रख लिया है क्योंकि हम मिर्च भी उनको नहीं खानी होती, तो मिर्च भी इसमें नहीं डालूंगी। दाल यहाँ पर को मैंने उबालने के लिए रख दी थी, चावल उबालने के लिए रख दिया है, चावल बन जाएगा इसमें, तो चावल पकाने के लिए रख दिया है। तो फ्रेंड्स दिन में खाना पीना खा करके हम लोग सो गए थे, चाची जी लोग भी जब
वहाँ से आए हॉस्पिटल से, तो वो लोग भी थोड़ा सो गए थे क्योंकि थक ही जाते हैं, तो वो अभी है यहाँ पर। को ये आ गई चाची जी, तो अब जो है जाने लग गए हैं खटीमा को। ओके बाय। और अब बाहर भी मौसम कुछ ख़राब हो गया है, अंधेरा अंधेरा सा होने लग गया मौसम। आज तो ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है, तो कुछ मौसम ख़राब जैसा लग रहा है। तो जा रहे हैं, मगरिब करते हैं, ठंडी मिलते हैं। चाचा जी भी आए हैं हमारे, और चाचा जी को कल से दिखाने का टाइम ही नहीं हुआ। अब जाने का टाइम हो रहा है, तब आ गई थी नींद, आराम आराम से आ गई थी। जाना अभी हम सो के उठ रहे हैं, सीधे सो के उठ रहे हैं। हमारी बहुरानियां ऐसी हैं कि सोई रहती हैं, सो आराम से उठ रहे हैं। मेरी दीदी को भी दिखाया, और क्या दीदी कह रही है, दीदी को दिखा, दीदी को दिखा, दीदी कह रही है आज मैं ऐसी बनी हूं, बिल्कुल नहीं छोड़ी है। अब आएंगे यार दीदी, बाद में आएंगे, देख रहे बारिश हो रही है, देखो मेरी दीदी को देखो, देखो बारिश, बारिश हो रही है आज बाहर। ये देखो गिरा देना वहां पे, ये हो रहा है कुछ जाने का हो। कल को जाते हैं, आज बारिश में जमा को जा रहे हो, कल को जाते हैं, आप बारिश में लगे हैं। क्या कर रहे हैं? तो ये है चाचा लोगों की गाड़ी, तो इसमें रखते हैं अपने बैग, अभी जाएंगे चाचा लोग जा रहे हैं। काटी जो है नहाने जा रहे हैं, ये देखो अब बारिश हो रही है क्योंकि, और बारिश का मज़ा बच्चे भी ले रहे हैं क्योंकि यार बहुत बारिश हो रही है, बेचारे वो भी थक जाते हैं, गर्मी सी हो रही है ना अब यहाँ, तो इतनी बारिश होती नहीं है, कभी कभी होती है, तो मैंने कहा थोड़ा नहा लो, तो वो जो है खुश हो गए बेचारे, नहा बोल रहे हैं जाओ नहाओ। अरे अरे कपड़े खोल, कपड़े खोल, कपड़े खोल के कैसे जाएगा। ओहो, क्या बारिश होनी हुई है आज, हमारे दोनों नाती खूब नहा रहे हैं छत में, ये बुढ़िया आ गई है छाता लेके, बुढ़िया आ रही है, ये बुढ़िया आ रही है, बुढ़िया जाओ रे, आजाओ रे, आजाओ आजाओ रे, मजा आ गया, मजा मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, अरे वाह वाह क्या मजा आ रहा है भाई, बचपन का आनंद है भाई ये, ये ये आज होगी भाई बारिश बहुत दूर से, हल्ले की बात पहली बार बारिश हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। कार्तिक ने बारिश में नहा भी लिया है, आमा ने भी खूब मस्ती कर ली है, और बारिश का आज खूब सारा मजा ले लिया बच्चों ने। और कैसा लगा फिर तुम लोगों को बताओ, मजा आ गया, खूब मजा आया, बहुत मजा आ गया इनको, है ना, खूब सारी मस्ती कर ली, और आमा ने भी और बच्चों ने भी, है ना। और जो है अभी भी मौसम बहुत मतलब ऐसा हो रहा है, येल्लो येल्लो सा मौसम हो रहा है क्योंकि सूर्य भगवान ही जाने वाले होंगे, तो आप देख सकते हैं ये देखिए कितनी चमक सी है, बिल्कुल अलग सी चमक है, देखिए ऐसी चमक है। तो अभी भी बारिश हो ही रही है, थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, नहीं हो रही है अभी तक, हो रही थी और अभी अभी शायद थोड़ा रुक गई है, लेकिन क्या पता अभी थोड़ी देर में और हो सकती है। तो
आप ऐसे ही बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और अभी जो है खाना पीना बन गया है और अभी थोड़ी देर में रोटी बनाएंगे, मतलब सब्जी वगैरह बन गई है, आटा गूंथ लिया है। और अभी थोड़ी देर में अभी बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं क्योंकि इनके टेस्ट होने वाले ना, तो इसलिए अभी थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। कार्तिक को देख सकते हो पढ़ाई, बाथरूम में भी पढ़ाई कर रहे हैं। इस संसार रूपी भुवन के